दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं यात्रा वृत्तांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अध्ययन तो चल नहीं रहा है, अतः ऑनलाइन वीडियो बना करके, यूट्यूब पर वीडियो बना करके या लाइव वीडियो बना करके इसी तरह से आपका अध्ययन चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और इसी तरह से आपकी परीक्षा भी ली जा रही है। तो ये आपका टेस्ट है, यात्रा वृत्तांत जो हमने पढ़ाया है उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। उत्तर देने का तरीका हमने पूर्व में बताया है, लेकिन फिर एक बार दोहरा देते हैं कि उत्तर देने का तरीका, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, तो आप कमेंट्स में ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें। बस प्रश्न को न लिखें, सिर्फ उत्तर लिखें, जैसे कि प्रश्न नंबर एक का उत्तर, और सीधा उसका उत्तर लिख दें, और उत्तर जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, अन्य बातें न लिखें। जैसे पूछा गया है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, तो वही लिखें, यात्रा वृत्तांत पहला किसने लिखा, क्या विशेषताएं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं इतना सा आपको लिखना है बस। ये ध्यान रखना है, ये आपकी ईमानदारी है कि उत्तर लिखने से पहले आप यात्रा वृत्तांत से संबंधित कोई वीडियो न देखें, उसका सहारा न लें, किसी पुस्तक का सहारा न लें। हाँ, आप पूर्व में, चूँकि हम बता चुके हैं आपसे पहले ही कि आपका टेस्ट लेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, तो आप तैयारी करके रखें, तो आपने कर ली होगी। जब आप परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो आपको कोई भी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कोई पासबुक, कुंजी, वन वीक सीरीज, पुस्तक, वीडियो का सहारा नहीं लेने दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही है, बस वहाँ पर चेक करने वाले स्वयं आप हैं। चूँकि आप ध्यान रखें, जब कोई भी नहीं देखता है तो आपका ईश्वर, आपका खुदा, जिसको आप मानते हैं, वो आपको देखता है। तो ये आपकी अपनी ईमानदारी है, कितना ईमानदारी से आप जवाब देते हैं। जब सभी के जवाब तीन दिन के अंदर, तीन दिन का समय रहेगा आपके पास, आ जाएंगे, तो हम एक उत्तर वाला वीडियो बनाएंगे और कमेंट्स के माध्यम से सबको व्यक्तिगत रूप से भी जवाब देंगे, तो हमें पता लगेगा किसने कितने जवाब सही दिए, आपको स्वयं को भी जाँचने का अवसर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर एक है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर दो है, जिसने एक बार घुमक्कड़ धर्म अपना लिया उसे पेंशन कहा, उसे विश्राम कहा, ये वाक्य किसने कहा है। हमने जो यात्रा वृत्तांत की वीडियो बनाई थी जिसमें यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं सारा समझाया था, उसके आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं, अतः उसको आपको गंभीरता से देखना चाहिए था, हमने पूर्व में भी बताया आपको। प्रश्न नंबर तीन है, संस्कृत साहित्य में भी आंशिक रूप से किन साहित्यकारों के साहित्य में यात्रा वर्णन मिलता है, अर्थात वो कौन से साहित्यकार हैं जिनके साहित्य में यात्रा वृत्तांत का जिक्र है, वर्णन है, उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर चार है, यात्रा वृत्तांत के बारे में अज्ञेय का क्या मानना था, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत के बारे में जो सोचा, जो लिखा, वो आपको लिखना है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है, अर्थात ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। प्रश्न नंबर छः है, राहुल सांकृत्यायन के किन्हीं दो यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखिए। राहुल सांकृत्यायन ने अनेक यात्राएं की और अनेक यात्रा वृत्तांत, लगभग 10-12 यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं, आपको सिर्फ दो यात्रा वृत्तांत उनके लिखने हैं जो आपको याद हो, जो आपको सहज लगे, जो आपको बेहतर लगे। प्रश्न नंबर सात है, यशपाल के किन्हीं दो यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखिए। यशपाल जी ने भी अनेक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, आपको सिर्फ दो यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखना है। अज्ञेय के एक यात्रा वृत्तांत का नाम प्रकाशित वर्ष सहित लिखिए। इन्होंने भी दो तीन यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो आप किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए, लेकिन ध्यान ये रखना है इसमें कि वह कब प्रकाशित हुआ, उस वर्ष को भी लिखना है, सन को भी लिखना है आपको। प्रश्न नंबर नौ है, झूलती जड़ें किसका यात्रा वृत्तांत, अर्थात यात्रा वृत्तांत किस लेखक ने, किस रचनाकार ने लिखा है। प्रश्न नंबर अंतिम 10वां प्रश्न है, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, यह यात्रा वृत्तांत किसका है, किसने लिखा है। तो विद्यार्थियों, बहुत छोटी वीडियो और बहुत छोटे प्रश्न और संख्यात्मक रूप से मात्र 10 प्रश्न हैं। पहले हमने 15 प्रश्न बनाए थे, लेकिन कमेंट्स पे जवाब देना है तो हमने सोचा और छोटा इसका आकार कर देते हैं, ताकि आपको और सुविधा हो सके, दुविधा न हो,
आसानी हो सके। क्योंकि यह प्रथम पड़ाव है, पहला एक तरह से आपका टेस्ट है। इस तरह से धीरे धीरे हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे, इसका रूप भी विस्तारित करेंगे, तब आपको भी अनुभव हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। फिर दीर्घ प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाएंगे कमेंट्स के माध्यम से। तो वीडियो आपने पूरी देखी, सभी प्रश्नों को अच्छे समझ लिया ऐसी आशा है। अब इनकी उत्तरमाला आप तैयार करके फटाफट हमें भेज दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, और आपके दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो साझा कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें, उन्हें भी हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के अध्ययन में यदि रुचि है तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप स्वयं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परिवार और देश को भी सुरक्षित रखें। शुक्रिया।